स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द टॉपिक आयनिक रेडियाई। बट बिफोर इट बेटा, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एटॉमिक रेडियाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, सो जस्ट गो एंड सी द वीडियोस, तब जाके ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक रेडियाई, जस्ट सी आउट। आई सिंपली ड्रॉ एन आयन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल्स having 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and third shell contain 1 electron. So what is ionic radii? आपको center of nucleus से, ये जो point मैं अब यहाँ पर note कर रहा हूँ, this is center of nucleus से आपको distance लेके चलना है, this is outer मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बट एक डिफरेंस अब देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सपोज ये आपका क्लाउड है, ठीक है, और ये सेंटर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का इस क्लाउड में जिस पॉइंट तक, आपको ध्यान कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जिस पॉइंट तक इन्फ्लुएंस है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इस पॉइंट तक इन्फ्लुएंस है तो यहाँ तक आपको डिस्टेंस लेके चलना है। सो डिस्टेंस कहाँ तक है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के उस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अप टू विच न्यूक्लियस हैज इट्स इन्फ्लुएंस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम कॉमन डिस्कस करें तो आयनिक रेडियाई का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ आयन। किसी भी आयन का रेडियस देखिए, वैल्यू वही निकलेगी जो मैंने आपको बताया है। बट अगर टेक्निकल जाए तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां तक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे आयनिक रेडियाई की? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आयन अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इट्स इन्फ्लुएंस। सो डेफिनेशन क्लियर, नॉर्मल भी और प्रॉपर भी, कि रेडियस ऑफ आयन को हम क्या कहेंगे? आयनिक रेडियाई। और टेक्निकल भी मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इट्स इन्फ्लुएंस। नाउ द टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियाई, दिस आयनिक रेडियाई इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट कैटायनिक रेडियाई आर पॉजिटिव, सेकेंड एनायनिक रेडियाई आर नेगेटिव। सो कॉमनली अगर हम कहें तो व्हाट इज कैटायनिक रेडियाई? इट इज सिंपल द रेडियस ऑफ कैटायन। और बेटा अगर एनायनिक रेडियाई का डिस्कस करें, इट इज सिंपली द रेडियस ऑफ एनायन। अब टेक्निकल डेफिनेशन जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डेफिनेशन में सिर्फ यहां पर जो आयन का वर्ड है, इसमें कैटायन में हम क्या लिखेंगे? कैटायन, और एनायन में हम क्या लिखेंगे? एनायन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? जस्ट सी आउट, डिस्टेंस, सॉरी, कैटायनिक रेडियाई फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन, स्पेशली बेटा अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑफ कैटायन अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इट्स
इन्फ्लुएंस। इन केस ऑफ एनायनिक रेडियस सिर्फ कैटायन की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एनायन। सो डेफिनेशन इज नाउ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन अप टू विच द न्यूक्लियस हैज इट्स इन्फ्लुएंस। चलिए अब एक चीज और डिस्कस करते हैं। हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जगह अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखे देन अगेन द सेम मीनिंग, क्योंकि हमें उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक जाना है जहां तक उसका इन्फ्लुएंस है। सो इफ आई सिंपली राइट इलेक्ट्रॉन क्लाउड देन अगेन द डेफिनेशन रिमेन्स सेम, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कैटायनिक रेडियाई जस्ट सी आउट एंड एनायनिक रेडियाई, और यहीं पर डिस्कस करेंगे। कंपेरेटिव डाटा है तो कंपेरेटिव ही इसको स्टडी करेंगे। चलिए डेफिनेशन की हमें कोई नीड नहीं है। सो यहां पर हम ऑन वन साइड वी विल राइट कैटायनिक रेडियाई, ऑन अदर साइड वी विल राइट एनायनिक रेडियाई। कैटायनिक रेडियाई आर पॉजिटिव, अदर साइड एनायनिक रेडियाई आर नेगेटिव। चलिए क्या डिस्कशन है जस्ट सी आउट। जो बेटा कैटायनिक रेडियाई होता है इट इज स्मॉलर देन कैटायनिक रेडियाई इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। जिस एटम से वो बना है उससे उसका रेडियस स्मॉल होता है, मींस रेडियस ऑफ एनी पॉजिटिव इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनी, और आई कैन से रेडियस ऑफ एल पॉजिटिव इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एल, और आई कैन से रेडियस ऑफ एम जी पॉजिटिव इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एम जी। क्लियर? सो यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे रेडियस कम होगा। सो एक मैं शॉर्ट आपको बताता हूं, जो रेडियाई है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। सो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियाई कम होता जाएगा। सो सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सोडियम ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एन ए पॉजिटिव, रेडियस ऑफ एम जी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एम जी पॉजिटिव ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एम जी टू पॉजिटिव। सिमिलरली रेडियस ऑफ ए एल ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ए एल पॉजिटिव ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ए एल टू पॉजिटिव ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ए एल थ्री पॉजिटिव। सो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस आपको कम करना है। क्लियर? इसका रिवर्स हमें मिलता है एनायनिक रेडियाई में, जस्ट सी आउट। तो एनायनिक रेडियाई में क्या है, द एनायनिक रेडियाई इज मोर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। जस्ट लाइक रेडियस ऑफ ओ नेगेटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ओ, सिमिलरली रेडियस ऑफ एन नेगेटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एन। सो यहां से एक चीज हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस है इट इज, और यू कैन से रेडियाई सेम थिंग, वन सिंगुलर अनदर प्लूरल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे रेडियस इंक्रीज होगा। सो रेडियस ऑफ ओ से बड़ा रेडियस ऑफ ओ नेगेटिव, उससे बड़ा रेडियस ऑफ ओ टू नेगेटिव। सिमिलरली रेडियस ऑफ नाइट्रोजन से बड़ा रेडियस ऑफ एन नेगेटिव, उससे बड़ा रेडियस ऑफ एन टू नेगेटिव, उससे बिगर रेडियस ऑफ एन थ्री नेगेटिव। सो यहां तक हमने क्या स्टडी किया कि कैटायन का रेडियस स्मॉल, एनायन का रेडियस ज्यादा, और यू कैन से जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे रेडियस कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे रेडियस ज्यादा। अब हमें करना है इसका रीजन, जस्ट सी आउट कॉज फॉर बोथ दिस। नाउ कॉज कॉज, और वी कैन ऑल्सो से इट एज रीजन। चलिए बिफोर रीजन मैं आपको बता दूं, जब हमने रेडियस को डिस्कस किया था तो मैंने फैक्टर्स जब कराए थे तो आई हैव टोल्ड यू
कि हम सबसे पहले मेन शेल का फैक्टर अप्लाई करते हैं, MAINSHEL। आफ्टर मेन शेल हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई न्यूक्लियर चार्ज, एंड इन द लास्ट वी विल अप्लाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। और इसकी कंडीशन बेटा अगर आपको रिमेंबर हो, ये हम अप्लाई करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, और हम इसको अप्लाई करते हैं जब हम किसी एलिमेंट को उसी के पॉजिटिव या उसी के नेगेटिव आयन से कंपेयर करते हैं, या हम किसी सेम एलिमेंट के दो पॉजिटिव आयन को कंपेयर करें, या हम सेम एलिमेंट के नेगेटिव आयन को कंपेयर करें। सो हम जेड इफेक्टिव को यूज़ करेंगे, क्लियर। सो ये ध्यान रखना है, ये फैक्टर यूज़ करना है, बट एक जगह हम मेन शेल भी यूज़ करेंगे, डजंट मेक एनी इशू। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटायनिक रेडियाई से। कैटायनिक रेडियाई स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, इसके दो रीज़न होते हैं। नंबर वन, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मेन शेल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई गिव यू सोडियम एंड सोडियम पॉजिटिव, तो सोडियम की कॉन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, Na पॉजिटिव 1s2, 2s2, 2p6। तो सोडियम हैज थ्री मेन शेल्स, Na पॉजिटिव में टू मेन शेल्स। सो आई कैन से रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव, बिकॉज सोडियम हैज मोर मेन शेल्स और Na पॉजिटिव हैज लेस मेन शेल्स। तो जब कई बार कैटायन बनता है तो आपकी मेन शेल कम हो जाती है, ड्यू टू विच आपका रेडियस कम हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। अब मेन वही जो ये डिस्कशन है, जेड इफेक्टिव। सेकंड, सोडियम और एनए पॉजिटिव का ही अगर हम कंपैरिजन लेके चलें इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 11, इसका बेटा जेड इफेक्टिव आएगा सोडियम का प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन 11/11। Na पॉजिटिव का Z इफेक्टिव प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10 1.1। सो जो आपका कैटायन है Na पॉजिटिव, इट विल हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू विच इट हैज लेस रेडियाई, क्लियर। सो सेकंड इज यू कैन सिंपली राइट ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो कैटायन में बेसिकली दो रीज़न आए कि भाई रेडियस क्यों कम होता है पेरेंट एटम से। फर्स्ट, कई बार जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो मेन शेल आपकी कम हो जाती है, ठीक है, बट ये सभी केसेस में नहीं होगा, इट इज़ नॉट इन ऑल केसेस, बट जो सब में होगा वो होगा मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चले नाउ वी विल सी द कॉज इन केस ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायंस में चेक करते हैं। तो एनायंस के लिए हम लेके चलते हैं बेटा, विल सिंपली रीजन पहले मैं आपको एग्जांपल लेके चलते हैं, ओ वर्सेस ओ नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 8। तो जेड इफेक्टिव अगर आप कैलकुलेट करो दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव 1 आ गया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ओ नेगेटिव में अगर आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो, प्रोटॉन जो है 8 और इलेक्ट्रॉन 9, 0.8, क्लियर टू ऑल ऑफ। सो अब देखिए जो आपका नेगेटिव आयन है ये 1.0 ऑक्सीजन के लिए और इसके लिए 0.8। सो नेगेटिव आयन में क्या है, लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू विच इट हैज मोर रेडियाई। सो द रीजन इज ड्यू टू, आई विल राइट लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो कैटायन और एनायन में क्या डिफरेंस है, देखिए कैटायन में दो रीजन हम दे सकते हैं, जिसमें माइनर रीजन ये है लेस नंबर ऑफ मेन शेल, और मेजर ये है मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एनायन में एक ही रीजन है, ड्यू टू लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर थिंग कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम कैसे डील करते हैं रेडियाई, यहीं पर डिस्कस करेंगे अभी रेडियाई इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। रेडियाई इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस,
सो सी द स्टूडेंट, सिंपल यू हैव टू रिमेंबर, हमारा पहला फैक्टर मेन शेल था, मेन शेल के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, देन न्यूक्लियर चार्ज, इन द लास्ट जेड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और जब हम किसी मेटल या एलिमेंट को उसी के पॉजिटिव या नेगेटिव से कंपेयर करते हैं, या सेम एलिमेंट के दो पॉजिटिव आयन को कंपेयर करते हैं, या सेम एलिमेंट के दो नेगेटिव आयन को कंपेयर करते हैं, तो हम जेड अफेक्टिव को यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में डायरेक्टली आप क्या कैलकुलेट करोगे, जेड इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, एंड बी क्लियर दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई. सो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, आई विल गिव यू Na पॉजिटिव, मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, और O2 नेगेटिव, ये एटॉमिक नंबर 11, ये 8. तो देखिए बेटा, 11 माइनस 1 इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्लस 2 इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएगा तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्कआउट ऑन जेड इफेक्टिव. तो जेड इफेक्टिव निकालिए, Na पॉजिटिव प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन 11 बाई 10 1.1, ओ टू नेगेटिव प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन 8 अपॉन 10 0.8. अब देखिए, ओ टू नेगेटिव हैज लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एन ए पॉजिटिव हैज मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो रेडियस किसका ज़्यादा होगा, जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. सो आई विल राइट, Radii of O2 negative is greater than radius of Na positive because O2 negative has less effective nuclear charge. So students, now we'll discuss some conceptual question based on ionic radii. Conceptuals. Based on आयोनिक रेडियाई. चलिए, क्वेश्चन नंबर वन इज विच हैज मोर रेडियाई, किसका रेडियस ज्यादा है. सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं Mg टू पॉजिटिव, Mg टू पॉजिटिव. अब देखिए बेटा, ये सेम एलिमेंट और उसके आयन का कंपैरिजन है, सो डायरेक्टली हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द फैक्टर जेड इफेक्टिव. दूसरा आपको पता है, जो केटायनिक रेडियाई सी आर इज स्मॉलर देन द रेडियाई ऑफ पी ए पेरेंट एटम. सो यहाँ से भी हमें डायरेक्ट मिल सकता है कि रेडियस ऑफ एम जी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एम जी टू पॉजिटिव. ठीक है, चलिए अब जेड इफेक्टिव देखते हैं. फॉर मैग्नीशियम हमें निकालना है, फॉर मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर दोनों के 12, सो मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव 12 अपॉन 12 1, Mg टू पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स 1.2. सो देखिए बेटा, Mg टू पॉजिटिव हैज लेस, सॉरी इट हैज मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू विच इट हैज लेस रेडियाई, और Mg का क्या है, इट हैज लेस जेड इफेक्टिव, देयर फोर इट हैज मोर रेडियाई. सो अगर रीजन आए इस पॉइंट का कि रेडियस क्यों ज्यादा है, तो रीजन आप क्या लिखोगे, बिकॉज इट हैज लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दिस इज पॉइंट नंबर वन. नाउ विल डिस्कस सेकेंड एग्जाम्पल. Al पॉजिटिव एंड Al2 पॉजिटिव. नाउ देखिए बेटा, अब ये एक ही एलिमेंट, या यू कैन से दोनों आयन्स एक ही एलिमेंट के हैं, सो यहाँ पर भी डायरेक्टली हम कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और मैंने बताया था, जो रेडियस है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम. इट मीन्स डायरेक्टली आंसर आया, रेडियस ऑफ Al पॉजिटिव इज रेडियस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ Al
टू पॉजिटिव। अब रीजन देखते हैं, चलिए। सो जेड इफेक्टिव निकालेंगे, AL पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 13, AL2 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 13, जेड इफेक्टिव फॉर बोथ द केसेस। सो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 12, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो 13 को 12 से अगर आप डिवाइड करो, यू विल गेट 1.08। नाउ यहां पर AL2 पॉजिटिव में प्रोटॉन 13, वेयर एज इलेक्ट्रॉन 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 11। ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.18। सो दिस इज 1.02, दिस इज 1.18। सो AL पॉजिटिव विल हैव द लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वेयर एज AL2 पॉजिटिव हैज मोर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो बेटा जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ऑब्वियसली इट विल हैव द मोर रेडियाई, और जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इट विल हैव द लेस रेडियाई। सो यहाँ पर रेडियस ऑफ AL पॉजिटिव इज ग्रेटर देन AL2 पॉजिटिव बिकॉज ऑफ यू कैन से लेस जेड अफेक्टिव ऑफ AL पॉजिटिव, क्लियर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू कंपेयर N2 नेगेटिव N3 नेगेटिव। नाउ अगेन दीज आर द आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट, सो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज जेड इफेक्टिव। और मैंने आपको बताया था जो रेडियाई है, इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, मीन्स जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना रेडियस भी ज़्यादा होगा। सो आई कैन से रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ N2 नेगेटिव। नाउ द रीजन वी हैव टू सी, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, N2 नेगेटिव एटॉमिक नंबर 7, N3 नेगेटिव एटॉमिक नंबर 7। सो यहाँ पे प्रोटॉन्स जेड इफेक्टिव इन बोथ द केसेस, सो यहाँ पे प्रोटॉन्स 7 और इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 2 9, 7/9 कम्स आउट टू बी 0.77। हेयर द जेड इफेक्टिव इज प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 10 0.70। सो बेटा N2 नेगेटिव विल हैव द मोर जेड इफेक्टिव, N3 नेगेटिव विल हैव द लेस जेड इफेक्टिव। अगर N2 नेगेटिव का मोर न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियसली इट विल हैव द लेस रेडियाई। और बेटा यहाँ पे लेस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, सो इट विल हैव मोर रेडियाई। नाउ हमारा आंसर क्या था, रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ N2 नेगेटिव बिकॉज ऑफ लेस जेड इफेक्टिव देन N2 नेगेटिव, क्लियर। सो दिस इज द थर्ड पार्ट, नाउ वील डिस्कस वन मोर पार्ट, फोर्थ। F नेगेटिव वर्सेस नियॉन, क्लियर। नाउ F नियॉन एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन 10। सो फ्लोरीन हैज 9+1 10 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टली वी हैव टू यूज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज P/E। सो दोनों में कैलकुलेट करेंगे बेटा F नेगेटिव एटॉमिक नंबर 9 और नियॉन 10, क्लियर। जस्ट सी आउट, जेड इफेक्टिव प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9+1 10 0.9, इन नियॉन प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10 1.0। सो एफ नेगेटिव हैज लेस जेड इफेक्टिव, वेयर एज नियॉन हैज मोर जेड इफेक्टिव। सो एफ नेगेटिव हैज लेस जेड इफेक्टिव, देयरफॉर इट विल हैव द मोर रेडियाई, वेयर एज नियॉन हैज द लेस रेडियाई। सो क्वेश्चन क्या है, हमें रेडियस बताना है किसका ज्यादा है। तो ऑब्वियसली द रेडियाई ऑफ एफ नेगेटिव इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ नियॉन बिकॉज ऑफ लेस
अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन नियॉन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज वी हैव टू अरेंज द स्पीसीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई. अरेंज द स्पीसीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई. सेकेंड क्वेश्चन. सो फर्स्ट इन दिस इज Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. सो जस्ट सी द स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 8 ऑक्सीजन. सो 11 माइनस 1 इट विल हैव द 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 माइनस 2 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, 13 माइनस 3 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्लस 2 अगेन 10 इलेक्ट्रॉन. सो ऑल दीज स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमें क्या फैक्टर देखना है, डायरेक्टली जेड इफेक्टिव. सो सभी का जेड इफेक्टिव निकालते हैं. एन ए पॉजिटिव का जेड इफेक्टिव 11/10 1.1, Mg2 पॉजिटिव 12/10 1.2, Al3 पॉजिटिव 13/10 1.3, और बेटा O2 नेगेटिव 8/10 0.8. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस सबसे कम होगा. तो सबसे ज्यादा जो है आपका Al3 पॉजिटिव. सो यहां से स्टार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ Al3 पॉजिटिव, देन 1.3 के बाद 1.2, दैट इज Mg2 पॉजिटिव, आफ्टर दैट 1.1, दैट इज Na पॉजिटिव, एंड इन द लास्ट 0.8 O2 नेगेटिव. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट. Al पॉजिटिव, Al2 पॉजिटिव. ऑल ऑफ यू नो बेटा, जो रेडियस है इट इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. सो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना रेडियस आपका कम होगा. सो सबसे कम रेडियस Al2 पॉजिटिव, आफ्टर देन रेडियस ऑफ Al पॉजिटिव, एंड आफ्टर देन रेडियस ऑफ Al. नाउ द थर्ड पार्ट. आई पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव. नाउ बेटा दिस इज यू कैन से द पेरेंट एटम. ये पेरेंट एटम है, ये कैटायन है और ये एनायन है. सो जो एनायन का रेडियाई होता है इट इज मोर, कैटायन का जो रेडियाई होता है इट इज लेस देन पेरेंट एटम. या फिर इस चीज को ध्यान रखिए, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव. सो पहले आपका आएगा आई पॉजिटिव, देन आई, और इन द लास्ट आई नेगेटिव. क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर टू. नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. अ बॉय रिपोर्टेड द रेडियाई ऑफ, अ बॉय रिपोर्टेड द रेडियाई ऑफ Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एस 0.96 नैनोमीटर, देन 0.122 नैनोमीटर एंड 0.072 नैनोमीटर. असाइन प्रॉपर वैल्यूज ऑफ रेडियाई टू द आयंस. आपको ये बतानी इनमें से कौन सी वैल्यू Cu के लिए है, कौन सी Cu पॉजिटिव, कौन सी Cu2 पॉजिटिव. सी द सॉल्यूशन. पहले इसी को लेते हैं. वी आर हैविंग Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव. द रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना रेडियस कम. तो सबसे कम रेडियस मुझे मिलने वाला है Cu2 पॉजिटिव,
उससे ज़्यादा रेडियस ऑफ सी यू पॉजिटिव एंड इन द लास्ट ऑफ सी यू। तो सबसे कम रेडियस सी यू टू पॉजिटिव, अब यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 0.072 नैनोमीटर। इससे ज़्यादा वैल्यू बेटा 0.96 और सबसे ज़्यादा 0.122 नैनोमीटर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक आयनिक रेडियाई। विद आयनिक रेडियाई हमारा एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एटॉमिक रेडियाई, जिसके तीन लेक्चर थे। फर्स्ट में हमने स्टडी किया व्हाट आर द रेडियाई टाइप्स, सेकंड में हमने फैक्टर्स और वेरिएशन को स्टडी किया, और थर्ड जो लेक्चर था वो था हमारा दैट इज आयनिक रेडियाई। लास्ट में फिर से देखिए, जब भी आपको रेडियाई कंपेयर करना हो, फर्स्ट यू विल सी द मेन शेल्स, देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, देन न्यूक्लियर चार्ज, देन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड बी रिमेंबर, इसी ऑर्डर में आपको काम करना है, ठीक है। और एक चीज़, एक्सेप्शंस को अपने माइंड में याद रखना है कि कौन कौन से हमने एक्सेप्शन किए थे, क्लियर। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, मैं बताता हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और जेड इफेक्टिव कहाँ पर यूज़ करना है, वैन यू आर डीलिंग इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या सेम एलिमेंट को उसी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव से कंपेयर करो, या टू पॉजिटिव आयन को कंपेयर करो सेम एलिमेंट, या टू नेगेटिव आयन को कंपेयर करो सेम एलिमेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक आयनिक रेडियाई, एंड एटॉमिक रेडियाई एज अ होल इज कंप्लीटेड, दैट्स ऑल।